हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया स्पेशल किचन। और मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ अपना मीशो का हॉल कि मीशो से मैंने क्या क्या मंगाया और क्या अच्छा आया क्या नहीं अच्छा आया। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने मीशो का हॉल। कुछ इयररिंग्स थे जो इस तरह के पैकेजिंग में आया था, इसको तो मैंने ओपन कर दिया है, बाकी ये इस तरह के डब्बे में आया था। अच्छा था पैकेजिंग भी इसका। और इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या मुझे मिला था। ये देखिए, इतने इयररिंग से मुझे मिले थे, कैसा लग रहा आपको? मैं अभी आपको एक एक भी दिखा दूँगी पहन के कैसा लगता है। और मैंने एक ये मंगाया था, मंगलसूत्र था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कई बार देखा था इसको, तो मुझे मन किया कि मैं भी इसको मंगाऊं, देखूं कैसा आता है। तो ये देखिए, ये भी अच्छा ही आया था। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको मंगाया। जैसा था पिक में वैसा ही मुझे मिला है। अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इयरिंग जो भी मुझे मिला था मीशो की तरफ से। फर्स्ट इयरिंग ये है, ये इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ये वेस्टर्न ड्रेस के साथ आपका बहुत अच्छे से मैच कर जाएगा। ये देखिए मैंने पहना है, दूसरा भी पहन के दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तो आपको दूसरा भी दिखाती हूँ पहन के। और ये सेकंड इयरिंग ये है, देखिए ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये डिफेक्टिव आ गया था। यहाँ पे इसका पॉलिश जो है, देख सकते हैं थोड़ा सा पॉलिश ख़राब है, ब्लैक है यहाँ पे। तो मुझे इसका डिज़ाइन तो पसंद आया, लेकिन इसकी जो पॉलिशिंग थी थोड़ी डैमेज थी, तो मुझे थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लगा। बस इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, देखिए मैंने पहना, ये भी अच्छा लगता है पहनने पे। ये देखिए मैं दोनों सारी पहन रही हूँ। कैसा लग रहा है? अगला दिखाती हूँ। और ये थर्ड वाला ये है, ये देखिए इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके डिज़ाइन की वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था, लेकिन कितना अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। और इसको मैंने पैर के एक वीडियो भी बनाया हुआ था, और यूट्यूब पे नहीं, जो है स्नैक वीडियो पे मैंने इसका वीडियो बनाया था। देखिए कैसा लगा, ये भी अच्छा लगता है मुझे। देखिए ये सारे जो है ना, आप वेस्टर्न ड्रेस पर पहन सकते हैं, अच्छा लगता है, उस पर सूट भी चल जाता है। अब मैं अगला दिखाती हूँ आपको। और इसमें तीन तो मैंने दिखा दिया, और तीन इसमें और हैं, ये देख सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आता है, ये मुझे इतना पसंद नहीं आता है। और ये मैंने, ये देखिए अभी तो मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है, तो मैं इसको पहन के तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन ये भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये, पहनने से अच्छा लुक आएगा। और एक चीज़ मैंने और ऑर्डर किया था, ये स्पेशली मैंने अपने बेटे के लिए किया था, ये है हेयर कर्लर, जिसको लगा के बाल कर्ली कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाल स्ट्रेट हैं, तो वो किसी का कॉल आ रहा है बार बार, तो उसको उसके बाल स्ट्रेट हैं, तो वो सोचते इसके बाल कर्ली हो जाए। तो मैंने कई तरह से ट्राई किया उसके बाल कर्ली करने से, लेकिन उसके बाल कर्ली होता ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। ये भी काफ़ी अच्छा था, मैंने उसके बाल में लगा के ट्राई किया था, तो उसमें केवल 1 घंटे ही लगाया था, तो
हो तो गया था लेकिन उतना नहीं हुआ था। अगर आपको अच्छा कर ले चाहिए तो इसको आप रात में लगा के सुबह ओपन करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें देखिए, इसमें मुझे 10 पीस मिले थे मुझे, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको अपने बाल कर्ल करने हो तो इससे आप कर सकते हैं। मैंने तो अपने बाल खुद स्ट्रेट कराए थे, खैर मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको अपनी बेटी के लिए मंगाया था। और एक चीज़ मैंने और मंगाया था जो मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेने के लिए, तो वो है लेंस, जो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और खैर जैसा चाहा था वैसे आ भी गया था। और उसके साथ एक लिक्विड भी आता है इसमें डाल के डालने से रखने के लिए, लेंस जब आप यूज़ कर लेते हैं तो इसमें लेंस को डाल के आप ये लिक्विड डाल सकते हैं। इसको मैं लगा के भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन लगाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो चलिए देखते हैं लगता है या नहीं लगता है। इसको लगाने के लिए बहुत टाइम चाहता है, सेट नहीं होता है जल्दी ये, तो मैं इसको लगा के मैंने एक पिक आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा लेंस लगने के बाद कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है लेंस लगाने के बाद। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ। और भी मैंने कुछ सामान लिए हैं लेकिन वो मीशो का नहीं है, मैंने मार्केट से लिया है। इयरिंग कुछ है दिखाती हूँ वो आपको कहते हैं। एक इयरिंग ये है, ये जो मैं अपनी माँ के गई थी तब मैंने वहाँ से लिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी इसका मैं 2-in-1 यूज़ भी कर लेती हूँ, ये भी अच्छा लगता है। इसका एक यूज़ और भी है, अगर आप करना चाहें तो, अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ आप कर सकते हैं एज अ मंकी का। ये देखिए वैसे भी अच्छा लगता है, मैंने यूज़ किया है शॉर्ट वीडियो में, 2-3 वीडियो में मैंने यूज़ किया है इसका, अच्छा लगता है। और एक इयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी सिंपल इयरिंग है, ये पर्पल, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं सोचती हूँ उसको ले लूँ। देखिए इधर मेरी बेटी पहनने की कोशिश कर रही है, नहीं पहना पा रही है, उसने बोला था कि मैं पहनाऊंगी, मैं नहीं पहना पा रही है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। और इसको तो मैंने मार्केट से लिया था, और इसको मार्केट से मैंने लिया था, और इसके साथ तो मैंने एक और लिया था, ये देखिए ये प्लेन गोल्ड में है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कुछ इयरिंग जो है उसको आपको भी रखने चाहिए, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, केवल मुझे ही पसंद है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि गोल्ड की पहना करो। और एक इयरिंग ये भी, ये अच्छी लगती है। मेरी ज्वेलरी में जो भी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लगभग मुझे सारी ज्वेलरी इसमें पसंद है, मुझे छोटे छोटे से वो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। ये भी देखिए ये भी अच्छा लगता है। और एक इयरिंग ये देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इसको भी मैंने मार्केट से ही लिया था, कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। एक ये उसको क्या बोलेंगे, नोज रिंग ही बोलेंगे। ये देखिए ये
ये नोज रिंग मुझे मेरी भाभी ने दिया था, मेरी भाभी ने या मेरी सिस्टर ने किसी ने दिया था। इतना बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे इस तरह का फैशन है अभी, लेकिन मुझे नहीं इतना बड़ा पसंद आ रहा है। और बाकी जो ज्वेलरी मैंने मंगाई थी आपको दिखा दिया मैंने, ज्वेलरी और लेंस जो बनवाया था, और लेंस का पिक मैं आपको यहाँ डाल दूँगी, आप देख लीजिए कैसा लगता है वो। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी है इसको भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, काफ़ी अच्छे इसमें कुर्तियाँ मिल जाती हैं अच्छे रेट में। वैसे आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत महंगा मिल जाता है, लेकिन उसमें उतने कम रेट में आपको मीशो से वो मिल जाता है। मैंने और भी कुछ कुर्तियाँ मंगाई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और बताइएगा आप कैसा लगता है। तो किसी ब्लॉग में मैं कुर्ती का वीडियो आपको दिखा दूंगी, कौन कौन सी मैंने कुर्तियाँ मंगाई और कौन कौन कुर्तियाँ जो है वो अच्छी आई मेरी, और कौन कौन सो आई। तो ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।